Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening. मास्क उतार लो और बैठ जाओ. थैंक यू सर. कुलदीप कुमार मीणा. यस सर. करौली जिले के हो? यस सर. करौली जिले में कोई डैम वगैरह है क्या? यस सर, पांचना डैम. पांचना डैम, क्या खास बात है इसकी? सर, ये पांच नदियों के संगम पर बना हुआ है और सर ये अर्थन डैम में सर करौली के लिए सिंचाई इरिगेशन सप्लाई करते वाटर. क्या भारत का सबसे बड़ा है ये? हाँ सर, अर्थन डैम तो भारत का सबसे बड़ा है. भारत का सबसे बड़ा डैम है क्या ये अर्थन डैम? राजस्थान का तो है सर, भारत का है. अच्छा, कितनी तहसीलें हैं करौली में? लीडरशिप क्वालिटी है आप में? छह तहसील. लीडरशिप क्वालिटी है आप में, आप कह रहे हो इसमें लिखा हुआ है. यस सर. अच्छे लीडर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं सर? जो मतलब एग्जांपल सेट कर सके, मतलब बाकी के लोग उसको फॉलो करें सर. एक्सपर्टीज पावर भी अप्लाई कर सके लोगों पर. ठीक है, और कोई? अच्छा वक्ता भी हो और अच्छा सुनने वाला भी हो. कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल. और अपनी चीज़ की जो भी फील्ड हो उसकी महारत हो, उसमें मास्टरी होनी चाहिए और हार्ड वर्किंग होना चाहिए. एग्जांपल सेट करना चाहिए, ये तो आप बता ही रहे हो. तो राजस्थान में किस जिले की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? जिले की पूछ रहा हूँ. हाँ, जयपुर होगा या है? दूसरे नंबर पे कौन है? कौन सा शहर है? शहर नहीं, डिस्ट्रिक्ट. दूसरे नंबर पे कौन सा जिला है? सॉरी सर. हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसकी है, कौन से जिले की? जयपुर. जयपुर की? पक्का? यस सर. गलत बोल रहे हो, बाड़मेर है सर. पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट उसका सबसे ज़्यादा है. सबसे कम कौन से जिले का है 2011 के अनुसार? जनगणना. गंगानगर है. ब्रोकन डिस्ट्रिक्ट्स बताओ राजस्थान के जिनका एरिया कंटिन्यूस नहीं हो सर. एक तो चित्तौड़गढ़, एक अजमेर है. अजमेर है, दो हिस्सों में है. हाँ सर. ठीक है. लेटेस्ट जिला कौन सा है राजस्थान का जो सबसे आखिर में बना है? सर प्रतापगढ़. प्रतापगढ़, ठीक है. राजस्थान के कितने राज्यों की सीमा लगती है? सर पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात. पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात. गुजरात के कितने जिलों की लगती है? गुजरात के कितने जिले राजस्थान से लगाते हैं? गुजरात के कितने लगते हैं, राजस्थान के कितने लगते हैं? गुजरात के तो नहीं, पर राजस्थान के बाड़मेर में लगता है, जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़. चलो कितने लगे टोटल? छह राजस्थान के, छह ही गुजरात के. बराबर बराबर है? अच्छा, हर जिले के साथ यही है, बराबर बराबर है? पंजाब के भी दो, राजस्थान के भी दो, हर के हरियाणा के साथ और राजस्थान के भी साथ, हर एक के हैं. क्या अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगती है? यस सर, लगती है. कहाँ लगती है सर? जो मतलब अभी पीओके है, जो मूलतः इंडिया का है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है शायद. अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत श्रृंखला, मतलब पर्वत की चोटी सबसे ऊंची? कंचनजंगा. कंचनजंगा या केटू? केटू गॉड विनोस्टेन. उसमें भी वही बात लगती है क्योंकि वो भी उधर पीओके में है, पर वो अपने भारत का हिस्सा मानते हैं. ठीक है. ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है भारत की जिसके अंदर ऑर्गेनिक खेती
ही होती है। सिक्किम ये मणिपुर में से एक है। है तो ये कि चलो कुलदीप जी, आपने डिग्री की 2017 में, यस सर, उसके बाद जॉब वगैरह की कहीं पर? नहीं सर, कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हो। यस सर। 2018 में गेट दिया, 46 मार्क्स आए आपके। यस सर। ओके, तो कौन सी सब्जेक्ट आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है जो आप ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हो सिविल में? सर, सॉन्ग, सॉइल एंड RCC, हाईवे। इन चार सब्जेक्टों को आप जनरली ज़्यादा प्रेफर करते हो? इन सबसे अच्छी कौन सी लगती है? सोम सबसे अच्छी लगती है। सोम में प्रेशर वेसल्स होते हैं, उसमें एक टर्म आता है हुप स्ट्रेस। क्या होता है हुप स्ट्रेस? जो सिलेंडर के ऊपर इंटरनल प्रेशर की वजह से इसे तो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है, PD/2T। टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है, टेंसाइल तो किसी डायरेक्शन में तो होता होगा। सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन में। अगर थिन प्रेशर वेसल की हम बात करते हैं मान लो, तो थिन प्रेशर वेसल में क्या रेडियल स्ट्रेस डेवलप होती है? थिन प्रेशर वेसल, दो तरह के प्रेशर वेसल्स होते हैं, कुछ उनके T/D रेशियोस उसको डिफाइन करते हैं, तो कुछ होते हैं थिन, कुछ होते हैं थिक। तो क्या थिन प्रेशर वेसल में रेडियल स्ट्रेस डेवलप होती है? इसे नेगलिजिबल कर सकते हैं, नेगलिजिबल डेवलप तो होती है, डेवलप तो होती है। पर और थिक में, अगर थिक सिलेंडर की बात करूं मैं, तो थिक में होती है डेवलप होती है। उसका वेरिएशन कैसा होता है? हाइपरबोलिक कंफर्म। और एंड पे कितनी होती है, बाहर कितनी होती है, अंदर कितनी होती है? सर, अंदर मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट होकर एंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, या फिर जीरो जीरो पर। और लॉन्ग टर्मिनल स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है थिक में? सर मतलब ये जीरो से स्टार्ट होकर, अंदर से जीरो से स्टार्ट होकर बाहर मैक्सिमम तक जाता है। पक्का? इसमें लॉन्ग टर्मिनल स्ट्रेस कांस्टेंट होती है, हुप और रेडियल वेरी करती है, लॉन्ग टर्मिनल कांस्टेंट होती है। एक अजम्पशन पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ बेंडिंग में, प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, इसका मतलब क्या है? सर मतलब वार्पिंग नहीं होती इसमें। वार्पिंग कैसे, इसका मतलब क्या है? इस जो स्टेटमेंट है प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब सर स्ट्रेन कॉन्स्टेंट है। स्ट्रेन कॉन्स्टेंट, क्या स्ट्रेन का वेरिएशन है कुछ? स्ट्रेन कॉन्स्टेंट, स्ट्रेन स्ट्रेन कांस्टेंट है। स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है? सर स्ट्रेस अप टू यील्ड स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस तक स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है? प्रोपोर्शनल टू, कैसा है? प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नहीं, वेरिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, रेक्टेंगुलर वेरिएशन है कि पैराबोलिक वेरिएशन है कि ट्रायंगुलर वेरिएशन है? स्ट्रेट लाइन याद नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। अगर मान लो कोई बीम है, उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है पी, सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर कैपिटल पी लोड लग रहा है, तो उसके कारण एंड्स पे जो स्लोप डेवलप होगा वो कितना, उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका? सर PL³/24 16 EI। कन्फर्म PL³ है, PL² PL³ और डिफ्लेक्शन PL² और डिफ्लेक्शन सेंटर पर PL³/48 EI। और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दें W इंटेंसिटी का, सर WL³/24 EI 5/384 WL³/4 EI 5/384 आगे ले लिया था। ओके, लैमेज थ्योरी के अजम्पशन पता है? यस सर। रेनकाइंस थ्योरी कहाँ यूज होती है, लॉन्ग के लिए या शॉर्ट कॉलम के लिए? लॉन्ग कॉलम के लिए। लॉन्ग के शॉर्ट के लिए कौन सी होती है फिर? चलो कुलदीप जी। यस सर।
आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हनीकॉम स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, क्या होती है बताइए एक बार इसको। क्रैक डेवलप हो जाता है सर। क्रैक या कुछ और सर, मतलब एयर वेट ज़्यादा होते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर में, क्यों ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर में एयर वॉइड होने की वजह से, और एयर वॉइड क्यों रह जाते हैं? प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं हो पाता इसलिए। ठीक है, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग दो टर्म होती हैं कंक्रीट में, सर डिफाइन कीजिए। सर सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ द ऑल द पार्टिकल लाइक सैंड डिफरेंट इन सीमेंट अलग और एग्रीगेट अलग अलग, हर चीज़ सेग्रीगेट मतलब अलग अलग हो जाती है। एंड ब्रीडिंग में एक्सेस ऑफ वाटर मतलब पानी निकल जाता है उसमें ऊपर से बाहर, ऊपर बाहर से मतलब ऊपर एवेपोरेट हो जाता है, एवेपोरेट नहीं लेकिन सर वो वाटर एक्सेस में होता है तो सरफेस पे आ जाता है ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन। ठीक है, कंक्रीट की क्योरिंग क्यों करते हैं? सर एक तो सीमेंट टाइम के साथ स्ट्रेंथ गेन करता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सर वाटर की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रही है। मतलब क्योरिंग का टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है? सर टू प्रिवेंट द मॉइस्चर लॉस इन द कंक्रीट, अगर लॉस होता है तो इसके लिए अपन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लॉस ना हो। टेम्परेचर ग्रेडियंट का नाम सुना है? यस सर। क्या प्रॉब्लम होती है उससे? कंक्रीट के लिए पूछ रहा हूँ। थर्मल क्रैक्स डेवलप होते हैं। क्यों होते हैं? सर एकदम जैसे मास कंक्रीटिंग के लिए अपन करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा बाहर टेम्परेचर कम। अंदर टेम्परेचर ज़्यादा और बाहर कम, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, यस सर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस। स्टिफनेस सर यूनिट पी अपॉन डेल्टा, मतलब कि डेफिनेशन बताइए। यस सर, यूनिट लोड अप्लाई टू द टू प्रोड्यूस द यूनिट डिफ्लेक्शन इज स्टिफनेस एंड रिवर्स ऑफ दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब डिफ्लेक्शन ड्यू टू द अप्लाइड लोड। ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी। RT-PCR का अभी नाम बहुत चला। यस सर। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सर फुल फॉर्म नहीं पता, मैं थोड़ा प्रोसीजर का आइडिया है। नहीं फुल फॉर्म बताइए मुझे, तभी प्रोसीजर अपने आप आ जाएगा उसमें। जो कोरोना है वो किस तरह का वायरस है, RNA वायरस या DNA वायरस? RNA वायरस। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। यस सर। पता है कुछ इसके बारे में? यस सर। बताइए सर, BPL परिवार के लिए जो आयुष्मान भारत योजना चल रही है उसी को मॉडिफाई किया राजस्थान सरकार ने अपने हिसाब से। तो ये BPL के लिए है, सबके लिए है? सर इसमें थोड़ा डाउट है। कितना कवर दिया है इसमें? 5 लाख। 5 लाख तक का। पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, भारत की पोजीशन बताइए, रैंक क्या है? रैंक नहीं लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सही चल रहा है। अच्छा रहा है। यस सर। कितने गोल्ड आ चुके हैं अभी? सर वो एक ही दिन में 2 गोल्ड आए थे और फिर शायद उसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज चल रहा है। आज तक कितने गोल्ड आ चुके हैं? शायद सर आई थिंक अभी तक 2 ही है। 2 ही हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, आपका इंटरव्यू तो हो गया। अब दो एक दो बातें आपको बताना चाहेंगे कि एक तो जनरल अवेयरनेस को बढ़ाएं, फॉर्म में जो भरा है उससे चालू करके, या अंदर जो इंटरव्यू बोर्ड में आप सूचनाएं देंगे या दे चुके उनके बारे में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं और हर एक चीज़ की जानकारी करते हुए जाना है, अपने ज़िले से तहसील से लेकर के राज्य को लेकर के देश को लेके विदेश को लेके ओवरव्यू, आपको जो एक एजुकेटेड आदमी को पता होना चाहिए वो सब जानकारी होनी चाहिए। और कुछ योजनाओं के बारे में राज्य सरकार की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, बुक्स है, ये है वो,
मतलब क्या है कि अगले की फ्री विल है, कुछ भी पूछ ले। आप तो बंधन में हैं, आपको तो जवाब देना है, पूछने वाला तो फ्री है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक इंटरव्यू डेट नहीं आती तब तक पढ़ना है, पढ़ते रहना है, अखबार पढ़ो, टीवी देखो, और अपने टेक्निकल नॉलेज को भी खूब इम्प्रूव करो, और तुक्केबाजी नहीं करें। कोई ज़रूरी नहीं है हर प्रश्न का जवाब देना। जैसे अभी गोल्ड के लिए भी आप फिर अनुमान लगा रहे हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। हर प्रश्न का जवाब किसी को भी नहीं आता, और देना आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आप मना भी कर सकते हैं। ओवरव्यू आपको ओवरऑल असेस किया जाएगा, किसी एक प्रश्न के आधार पर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए टेंशन नहीं लें, क्योंकि आप ये मान के चलें आप दुनिया भर की टेंशन लेने पर भी सब प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अंडर द अर्थ, ओवर द अर्थ, इंक्लूडिंग स्काई और स्काई से भी परे अगले की इच्छा है, कुछ फ्री विल है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आप निरुत्तर तो होंगे ही होंगे, इसलिए बेधड़क जाएं। ठीक है, आवाज़ रेट आ गई बुलंद रखें। नहीं सर, सेकंड स्लॉट। अच्छा, कौन सी डेट है अभी? सेकंड स्लॉट में सर। अच्छा, ये सेकंड इंटरव्यू था क्या आपका? हाँ सर, सेकंड। ये थोड़ा इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करें, तुक्केबाजी मत करना, और ये सोच के ही मत जाना सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे आप। ठीक है, आपकी सीट बहुत हॉट सीट है, यहाँ कोई नहीं दे सकता सारे प्रश्नों के जवाब, नहीं दे सकते, उधर बैठ जाए। ठीक है, ठीक है, निश्चिंत रहो, मस्त रहें, इंटरव्यू। विश यू बेस्ट ऑफ। थैंक यू सर।